हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और मेरा बेटू उठ गया और 7:30 हुए और इसने हम दोनों को उठा दिया, मेरे को भी मम्मी को भी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्या चाहिए? मम्मी का नाम लिए से मन दिखा से ना। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल दो, माम माम कर दो सबको। हाय, माम माम करनी भाई, धीरे धीरे सीखेगा मेरा लड्डू। अभी मेरा लड्डू नहीं सीखा है। माम माम करो सबको, माम माम गुड मॉर्निंग बोल दो। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ओए ओए ओए, आपको बहुत प्यार करते हैं, सब ऐसे बोलते हैं। मुझे दिखाया चलो, बच्चे छोटे छोटे बहुत देखना पसंद करते हैं आपको। हाँ अम्मू, ओहो ओहो ओहो, ये यहाँ कॉफ़ी है, यहाँ पे ब्रेड है सिखे हुए हैं हल्के हल्के, और यहाँ पे इसको सुला दिया है मैंने दूध पिला के। टाइम हुआ है 10:15। एमु उठ गया है और उठते ही आया सीधा बाहर। एक बार तो वैसे मैं इसको ना डेली बाहर लेके आती हूँ ताकि बाहर का देख ले थोड़ा। ग्रीनरी है तो अच्छी चीज़ है, देखनी चाहिए बच्चों को। और उठते ही मैंने इसकी आँख में डाल दिया काजल, और अभी ना सबको ऐसे घूम जो घूम रहे हैं ना बंदू, उनको देख रहा है। हाँ जी, ओहो ओहो, हमें चलना भी है बेटा। यार हमारी पैकिंग बाकी है, मुझे पार्लर जाना, इतने सारे काम है ना, समझ नहीं आ रहे क्या क्या करें, कैसे करें, क्या क्या करें, काम बहुत सारे हैं। मम्मी मित्तू यहाँ सुबह सुबह आ गए बाहर, ये रशन बड़ा नाड़ लग रही है यहाँ पे, थोड़ा स्विमिंग पूल वाला नज़ारा ना व्यू ले रहे हैं, क्योंकि निकल जाएंगे हम आज शाम को या रात को निकलेंगे। और खाना खाओ ना, बच्चे को साथ में लेके खाओ तो। अगर इसका, अरे एक आंख का काजल कहाँ गया भाई? इसका खाने का मन करे तो छोटी छोटी बाइट दे दो, बहुत ज्यादा नहीं, छोटी छोटी, ताकि रोटी रोटी इसको ये पता चले कि रोटी का स्वाद क्या, अनाज का स्वाद क्या, इसको पता चले। पता चले बड़े हो गए फिर बच्चा रोटी ना खाए तो वो टेस्ट देना भी जरूरी है। रुको, अम्मू को छोड़ के निकलना ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, अभी हम दोनों को देख के रोने लग जाता है। तो उसको पूरा टनाटन, उसका टमी फुल करके सुलाने की कोशिश करी, सोया नहीं। तो हम जा रहे हैं अभी बाहर पार्लर में। बैठते मेरी चीख बिल्कुल यही निकली है, क्योंकि सीट हमारी ना बहुत गर्म है। ओए होए, और पार्लर में जाके थोड़े टकाटक हो गाऊंगे, जितना जितनी काड़स लाग रही है ना सारी तरवा खाऊंगे। फुल टैनिंग हो रखी है तो जाना जरूरी था। देखो वो कहते हैं ना, ऊपर की तो उतर जाएगी जो, बट जो मतलब अंदर है वो, हाँ तो जो अंदर की काले सब, वो तो कैसे निकलेगी। हाँ। उस बात एग्री करूँ मैं, टेंशन मत लो, एग्री करूँ मैं। जो परमानेंट तो, कलर ही वैसा है उसका क्या हो सकता है, हो सकता उसका। उफ, ये गर्मी, बहुत गर्मी हुई है। इस रास्ते को कितना मिस करने वाले हो आप लोग भी बताना मुझे। जो भी न्यू मम्मी डैडी है, किन का ये हाल है? देखो चंदा मामा दूर के चलता है, नीचे चुन्नू सोता है। कैसे हो? कहाँ से हो? हाय हाय, इधर आ जाओ बेटा, साइड में गाड़ी घूम के ना साइड आ जाओ। प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर मिले, मैं उतर ही जाती हूँ। चल रहा है सेल्फी सेशन, कर्नाटक का, इधर बेलगांव से ही है भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी को हाथ देके ना रुकवा रहे थे। चले थे हम लोग पार्लर, और उसी पार्लर में आए हैं जिसमें मैं पहले आई थी, द ब्यूटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स ऑफ ब्यूटी। एड्रेस भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो जो गोवा हो ना, तो अगर पार्लर जाना जाना मेरे ख्याल से लड़कियों को तो सभी को ही पड़ता है, तो उसमें आना बहुत अच्छा है। इसके ना वाइब बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मैं तो अपना हेयर कट लेने लग रही हूँ। जाने के लिए हो गई, मैं भी ऑल डन। ये देख लो, करी हाथ भी चमकवा लिए हैं बढ़िया से, और थ्रेडिंग वगैरह भी करवा ली है, सेट हो गए पूरी वैक्सिंग। अब किसी भी टाइम हम लोग जाके निकल सकते हैं, बस नहाना है, मुझे ना हेयर वॉश करना है।
किस किस को हल्का सा आता है जिस दिन हेयर वॉश करना होता है मुझे बहुत ज्यादा। तो आज नैन की थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग होने वाली है। देख लो इस 24 घंटे मुंह ने सड़ा कर रखा, थोड़ा खोल भी लिया कर। हाँ तो ये वाला पार्लर है, देख लो आप, यहाँ पे आती हूँ मैं। अच्छा ये, और इतना सस्ता है देख लो, ये ऑफर लगाया हुआ अभी। अब हम आए हैं क्योंकि लास्ट डे है हमारा, तो इस वाली शॉप पे आए हम लोग काजू वगैरह लेने के लिए। देखते हैं कौन से वाले लेंगे, बड़ी सी शॉप है काफ़ी। कितने टाइप के हैं ना इनके पास, ये देखो अलग अलग टाइप के हैं, यहाँ पे भी हैं। करवा लिए बहुत सारे पैक करवा लिए हैं, ये देख लो ये हमारी पोलोथिन पैक होने लग रही है। और कुछ के लिए ये वाले पैकेट गहे सारे ले लिए, गहने का मतलब ये है सबको बांटने के लिए। दो तीन घंटे बाद बच्चे से मिलने पे ऐसा लगता है हाय कितना टाइम हो गया मिले नहीं। हेलो कर ले, आते के साथ मम्मा से खूब सारा प्यार करा है, है? प्यारी कर दे, प्यारी कर दे, एक पारी कर दे, ऐसे पारी कर दे। ये आपका ही है, इसको रख के ना इसकी ऐसे ऐसे पिट्टी कर दो, ऐसे कर दो इसकी पिट्टी। हाँ ये छोटू सा दिख रहा ना, ये आप ही हो, आप ऐसे थे छोटे थे जब। हाँ ये आप ही हो, देखो आप जैसी शक्ल है ना इसकी, है ना अम्मा, बोलिए ये तो आप ही हो, मेरा बेटा है ये तो। खुद के फोटो पे उंगली मार रहा है। गुलगुले ओए मेरे मिठे, ओए मेरे जिगर के टुकड़े, सबसे ज्यादा प्यारी इसकी मैं ही लगती हूँ। मेरा गुलगुला, मेरा गुलगुला, मेरा गुलगुला। फाइनली भारी मन से इन्होंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है, दिल इतना इनका भारी हो रखा है बिल्कुल, है ना, है क्या कहाँ कहाँ अगला अगली डेस्टिनेशन कहाँ पे आपकी? अगली डेस्टिनेशन तो भाई देखेंगे कित कित सा सामान इतना हो गया, मेरे समझ में ना आ रही। अच्छा एक तो मैंने लिपस्टिक इतनी मंगवा ली, अगर इनके कार्टन कंप्लीट ना हो रहे मेरे तो ये इतना स्पेस ले लेंगी, खोल खोल के देखने जाएंगे किस में कितने बड़े अंधेरा सामान हो रहा है इकट्ठा, ले आई कम थी कोई। भाई कोई ट्रक वाला अगर कोई व्लॉग देख रहा हो जा रहा हो कोई गोवा साइड से बता देना, थोड़ा सामान भी जवाना है हमें। ठीक है सब्सक्राइबर को भी इतनी दे दी चीजें फिर भी पता नहीं, और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई नहीं बांटते नहीं बांटते, यो लिपस्टिक का कौन सा डब्बा मंगवाया, सारी चीजें ना हम शूट भी नहीं करते हैं। कई बार होता है ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास फोन नहीं होता है, या मान लो हम बाहर हैं कुछ कर रहे हैं गाड़ी में फोन है तो फिर वैसे ही दे देते हैं, शूट नहीं होता। देखो एक यो डब्बा भरा है लिपस्टिक का, एक यो पूरा भरा है, ये खाली अपने सब्सक्राइबर के लिए लेके आई थी मैं। तो मेरे ये बैग पैक हुए हैं, पहले सिर्फ ये दो थे, ये दो और बढ़ गए यार, और ये तो और चप्पल जो नहीं है इसमें, और भी छोटा मोटा सामान जो नहीं है अभी वो तो पेंडिंग ही है, और ये इधर भी थोड़ा बहुत हो गया। वैसे मैं पता नहीं मित्तू ने शूट करा तो था, वो शायद मित्तू ने अपना करा, यू एम ही करा, और ये सारा देखो किस तरह बिखरा पड़ा सब कुछ। मेरा ना सिर घूम गया, नहा ही नहीं हूँ तो मैं पहले नहाया हूँ थोड़ा दिमाग फ्रेश करूँ और फिर आगे दोबारा फिर पैकिंग पर लगा। तो मैं भी नहा ली और एयर वॉश भी कर लिया, फिर दो तीन दिन रस्ते में टाइम मिला ना मिले, और अच्छा लग रहा है अब नहा के। और पीछे एमू को संभाला हुआ, सबसे बड़ी जिम्मेवारी का काम इतू करते हैं आजकल घर में, नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मित्तू भी हेयर कट करवा के, और मित्तू का बताना लंबे वाले हेयर अच्छे लग रहे हैं, छोटे वाले हेयर अच्छे लगते हैं, अब ये थोड़े बड़े रखने लग गए। और मैं और मम्मी तो पैकिंग में ला रहे हाँ दोबारा, तो सारी चीज खलारा फैला पड़ा है ऊपर रखने वाले बैग, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना तो सारे नहीं उठाने पड़ेंगे, स्टे करेंगे ना, पिछली बार बहुत दिक्कत हुई, सारा ही सामान उतारना पड़ा है,
अब की बार डबल डबल पैकिंग करी कि जो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने के ना, क्योंकि ज़्यादा दिन तो लगेंगे नहीं, तो वो जो बिल्कुल चाहने वाले जैसे 5-7 जोड़ी वो एक अलग बैग में रख लिए, और जो एक्स्ट्रा थे ना उनको रख देंगे नीचे, तो सिर्फ यूज़ यूज़ करने वाले 4-5 बैग उतरेंगे, मेरा, मम्मी का, एम्मी का, मित्तू का और खाने वाला। तो भाई इस गाड़ी में सामान की शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है भाई, 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कुछ बैग तो रखा है। दिखाते हैं अगली डेस्टिनेशन कौन सी होने वाली है। पूरा इंडिया टूर करवाने के लिए बोला था आप लोगों को, तो अभी तो एक ही गोवा ही हुआ है, तो अभी बाकी सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो भाई इस गाड़ी की कुछ कंडीशन ऐसी हो रखी है, अभी इसको साफ भी करवाना, भैया जो गेट पे यहाँ रहते हैं उनको बोला है। और ये देखो फुल सामान पैक कर दिया गाड़ी के अंदर, ये बाल्टी लेके आए इसको वॉश करने के लिए, तो गाड़ी भी धुलवा देते हैं, सारी चीज़ें टनाटन कर देते हैं ताकि अर्ली मॉर्निंग हम कल अपनी नई डेस्टिनेशन पे निकल सकें। और देख लो भाई